हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। आज मैं आपको थ्री इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल्स और धातु जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं और जिसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए, उन तीन इम्पॉर्टेंट अधातुओं के बारे में बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट नॉन मेटल होगा सल्फर, सेकेंड है फॉस्फोरस एंड थर्ड वन इज ग्रेफाइट। इन तीनों के बारे में मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगी। नाउ फर्स्ट जो है वो है सल्फर। सबसे पहले सल्फर का जो सिंबल होता है वो S होता है, इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। इसके अलावा ये अबंडेंट है, मतलब जो सल्फर है इस साइड मैंने लिखा है सल्फर और ये फॉस्फरस, तो जो सल्फर है वो अबंडेंट होता है। अबंडेंट का मतलब है कि नेचर में प्रचुर मात्रा में एग्जिस्टेंस होना, मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसकी एग्जिस्टेंस है। उसके अलावा ये मल्टी वैलेंट होता है और ये एक नॉन मेटेलिक एक अधातु है। इसके अलावा जो सल्फर है ये जो अर्थ में एग्जिस्ट करता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म जैसे शुगर एंड सॉल्ट में क्रिस्टल्स होते हैं, इस टाइप की सॉलिड फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो सल्फर है इसका जो कलर होता है वो ब्राइट येलो होता है, ये पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा जो सल्फर है इसको हम क्यों नॉन मेटल में लेते हैं, क्यों यह एक अधातु होता है, सो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। उसके अलावा सल्फर में सिंबल आप इसको ऐसे डिनोट कर लेंगे। इसके अलावा इसका बहुत ज्यादा यूज होता है इंसेक्टिसाइड्स में, मतलब कि जिसमें फंगस वगैरह ऐसी चीजों से रिलेटेड उन चीजों के प्रिवेंट के लिए जो हम केमिकल भी यूज करते हैं उसमें हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा गन पाउडर में या फिर पटाखे बनाने में भी सल्फर का यूज किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये डल होता है और ब्रिटल होता है सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में तो प्रेजेंट होता है लेकिन क्रिस्टलाइज सॉलिड में होता है, ठीक है। उसके बाद में जो सल्फर है इसकी जो डेंसिटी होती है बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में, मतलब ये क्योंकि अधातु है तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है मेटल्स के कंपैरिजन में। इसका रीजन है क्यों, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो पूरा प्रॉपर्ली नहीं बन पाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉइंट में रीजन लिखा हुआ है। इसके अलावा जो सल्फर है ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है और इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको मार्क कर लीजिएगा। इन पॉइंट्स के अलावा जो सल्फर है इसका एटॉमिक मास होता है 32.065U, आप इसको 32 भी लिख सकते हैं। सल्फर के बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है अधातु है वो है फॉस्फोरस। अब देखिए फॉस्फोरस में क्या होता है, सबसे पहली चीज फॉस्फोरस का जो सिंबल होता है वो पी होता है और जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो 15 होता है, ठीक है। 15 एटॉमिक नंबर फॉस्फोरस का सिंबल पी होता है। इसके अलावा जो फॉस्फोरस है यह अधातु हमारे पास दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है नेचर में, दो कलर्स में प्रेजेंट होती है, एक होता है व्हाइट फॉस्फोरस और एक रेड फॉस्फोरस। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाइट एंड रेड फॉस्फोरस का। इसके बाद में नेक्स्ट जो है जो फॉस्फोरस है ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए मतलब ये इतना ज्यादा रिएक्टिव अधातु है, इतनी ज्यादा रिएक्टिव है ये अधातु नॉन मेटल कि ये जो अर्थ है अर्थ क्रस्ट में या फिर नेचर में ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं होती या फ्री एलिमेंट्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट नहीं होती। इसके अलावा जो फॉस्फोरस है ये फायर मतलब आग को बहुत जल्दी कैच कर लेता है, बहुत जल्दी इसमें आग लगने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा फॉस्फोरस के और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि ये कमर्शियल फर्टिलाइजर्स बन गया है आज के टाइम में, मतलब पहले इसका इतना यूज नहीं था जितना कि आज के टाइम में इसका यूज है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इसको यूज फॉस्फोरस का और क्या यूज किया जाता है, जैसे कुछ वो देना धातुएं अधातुएं जिसका हम केमिकली बहुत यूज कर लेते हैं, इंडस्ट्री में बहुत यूज कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी अधातुएं होती है जिसका हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है और फॉस्फोरस उनमें से एक है। जैसे कि इसका जो यूज है वो प्रोटीन बनाने के लिए भी हेल्प करता है और प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारी बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है। इसके अलावा जो फॉस्फोरस है जो हमारी बॉडी के टिश्यूज होते हैं सेल्स होते हैं उनकी रिपेयरिंग में भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये मेंटेनेंस और रिपेयर करता है हमारी सेल्स और टिश्यू को, कौन, फॉस्फोरस। इसके अलावा जो फॉस्फोरस है ये 11th मोस्ट कॉमन एलिमेंट है हमारी अर्थ पे, ये पॉइंट है। इसके अलावा जो फॉस्फोरस है इसका क्या यूज किया जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन में, सेल मेम्ब्रेन्स में, ठीक है, बोन्स हड्डियों को दांतों को बनाने के लिए और उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी हम फॉस्फोरस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाते हैं, क्योंकि अपने टीथ और बोन्स में सिर्फ कैल्शियम का नाम सुना है तो सिर्फ कैल्शियम नहीं होता, उनमें फॉस्फोरस भी काफी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फॉस्फोरस और सल्फर के बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास नॉन मेटल आता है वो है ग्रेफाइट। अभी तक मैंने आपको दो करवा दिए हैं सल्फर एंड फॉस्फोरस, इसके बाद में नेक्स्ट आता है ग्रेफाइट। तो ये इसके लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये एलोट्रॉप होता है कार्बन का, मतलब कि ये कार्बन का एक अपरूप है,
इसके अलावा ग्रेफाइट में देखें, ये है ग्रेफाइट। अब इसके और सिंबल्स क्या हो सकते हैं, ये भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जैसे मैंने सल्फर का बताया था उसी तरीके से ये भी क्या होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है ये कि ये बहुत ज्यादा सोपी होता है टच में। सोपी का मतलब है ये बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। जो ग्रेफाइट है ये सॉफ्ट इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं वो काफी ज्यादा वीक होते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये गुड कंडक्टर होता है ग्रेफाइट। गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का, ठीक है, ऊष्मा का सुचालक है ये। इसके अलावा ग्रेफाइट के जो ग्रेफाइट का जो कलर होता है वो ग्रेइश ब्लैक होता है, मतलब पूरा प्रॉपर ब्लैक भी नहीं और पूरा प्रॉपर ग्रे भी नहीं, इसका बहुत ही लाइट सा शेड होता है ये ग्रेइश ब्लैक। इसके बाद में ये मैंने आपको बता दिया कि ये एलोट्रॉप होता है कार्बन का। सॉफ्ट क्यों होता है, क्योंकि इसका जो वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं वो इसमें वीक होते हैं। इसके अलावा जो ग्रेफाइट है वो एक नॉन इनफ्लेमेबल है, मतलब कि ये जल्दी से फायर को कैच नहीं करता है। इसके बाद में जो ग्रेफाइट का नेक्स्ट पॉइंट है वो इसके यूजेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पेंसिल लेड में या फिर सोलर पैनल्स होते हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे है ग्रेफाइट, पेंसिल लेड है, सोलर पैनल्स है या फिर बैटरी है, लुब्रिकेंट है, इनके अंदर इसका यूज किया जाता है। इनमें से कोई भी यूज आपसे पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको लिख लीजिएगा। और इन सब के अलावा जो ग्रेफाइट है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है, मतलब जिसमें सिक्स साइड्स होती है। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नॉन मेटल्स के, मैंने आपको तीन इस वीडियो में मैंने आपको टोटल थ्री नॉन मेटल्स करवाए, मतलब कि तीन अधातु, फर्स्ट सल्फर, सेकेंड वन इज फॉस्फोरस एंड थर्ड वन इज ग्रेफाइट। और इन तीनों के काफी हद तक मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको कोई भी पॉइंट डाउट है, कुछ चीज ऐसी है जो क्लियर नहीं हुई हो या समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज मुझे कॉमेंट करिएगा, मैं जल्दी से जल्दी आपका डाउट क्लियर करने की ट्राई करूंगी। थैंक यू सो मच।